जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी जीडी का यहाँ पर अभ्यर्थी आ चुके हैं गेट के पास और लाइन लग चुके हैं। देख सकते हैं एक यहाँ पर आपको कांस्टेबल है और लाइन लगा रहे हैं। दोस्तों बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है, लगभग आपको 50 के करीब अभ्यर्थी आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फिजिकल और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह कैंप आपको सीआरपीएफ मोकामा घाट के है, यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी को लाइन लगा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक हो रहा है और मोबाइल भी जमा हो रहा है। सभी को मोबाइल के लिए एक आपको छोटा सा पुर्जी बनाया जा रहा है, जो कि मोबाइल आपको जमा करना होगा। जब तक आप अंदर हैं तब तक आपका मोबाइल जब्त रहेगा। तो यहाँ पर सभी दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और तमाम यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट अंदर जाकर चेक हो रहा है। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप सभी का रनिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों जो भी प्रक्रिया मेडिकल से गुजरना है यह तमाम होने वाली है। तो उसका लाइव अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर सुबह सुबह आपको लगभग यहाँ पर 5:30 से 6 के करीब में यह लाइन लगाया जा रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, क्योंकि वीडियो शूट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बोले हैं कि 6 बजे के बाद यहाँ आना है, जो भी है तो आपको प्रक्रिया यहाँ से बताते रहेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं धीरे धीरे करके जा रहे हैं, और दोस्तों काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थी हैं, क्योंकि सभी प्रक्रिया एक साथ चल रही है। इस बार कुछ बदलाव भी हुआ है, तो देखते जाइए जो भी अभ्यर्थी का यहाँ पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाम पुकारा जा रहा है, सीरियल वाइज बैठाया जा रहा है। दोस्तों सभी आप डॉक्यूमेंट के जीरोक्स ओरिजिनल दोनों लाएं और अपने एडमिट कार्ड के 2 कॉपी लाएं, फ़ोटो भी लाएं। यह तमाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको बताया जा रहा है गेट के सामने। तो इस प्रकार से दोस्तों यह मोकामा घाट सीआरपीएफ कैंप है, आप लोग देख सकते हैं। इसका रनिंग भी हम दिखाने वाले हैं, एक बैच का रनिंग बनेगा, जो कि उसका भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अंदर आपको अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो अंदर चले गए हैं कुछ अभ्यर्थी, 10 का बैच ले गया गया है, तो उसमें फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिसमें आप क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई होते हैं तो सभी डिटेल रहता है। वह तमाम जानकारी आपको वहाँ पर भरना होता है, जिसमें आप लोग क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई ऑफिसर करेंगे, उसमें आपका डिटेल्स, नाम, एड्रेस, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के कमेंट के बाद हम मोकामा घाट के या सीआरपी कैंप में आ चुके हैं, और जानकारी आपको पल पल के देते रहेंगे किस प्रकार से हो रहा है। और अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं तो रिव्यू भी हम करके बताने वाला हूँ, क्या क्या चेक हो रहा है, किस प्रक्रिया से आप लोग को गुजरना होगा, आगे की तैयारी करके उसके अनुसार आप लोग भर्ती में आ सकते हैं। तो तमाम जानकारी, यह रोड है दोस्तों जो कि स्टेशन के तरफ से आता है, तो तमाम जानकारी आप लोग देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी का यहाँ बुलाया जा रहा है, सीरियल वाइज बैठाया जा रहा है, देख सकते हैं इनको नाम बुलाया गया, सभी को लिस्ट है जिसमें नाम आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से सभी को एक एक करके गेट के सामने लाइन लगाया जा रहा है और अंदर ले जाकर बैठाया जा रहा है, जहाँ पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड चेक करके अंदर आप लोग जितने हैं अभ्यर्थी जा रहे हैं। तो सभी जानकारी आपको इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे, जो भी दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत सारा मैं वीडियो में अपना नंबर भी बताए हैं, देख सकते हैं इनको बुलाया गया तो यह अभ्यर्थी जा रहे हैं। जो भी है अपना अभिभावक के साथ आए हैं तो मोबाइल वाइल बाहर ही रख दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जब तक भर्ती नहीं हो जा रहा है अंदर तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो रहा है।